नमस्ते दोस्तों, मैं हूं धनंजय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब डीआईडी पांडे। आज मैं आया हूं लालू यादव जी के गांव, जो कि मैं आपसे बात करूंगा आज उनके गांव के मंदिर के बारे में, जो कि इसका बजट लगभग 3 करोड़ के आसपास बनाया गया था, 3 करोड़ के आसपास में बना था और इसका निर्माण 2007 या 2008 में किया गया था, जिसको लालू यादव ने खुद किया था उसका उद्घाटन, और यहाँ पे पूजा पाठ चला था 3 दिनों तक। तो उसी के बारे में हमने आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तो देखते रहिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। ये हम आए हैं फुलवरिया मंदिर में आज, यहाँ पीछे का जो गेट था अभी गेट से हम एंट्री किए हैं, और ये पीछे मेरा भाई आ रहा है, और ये देखिए कितना बेहतर लुक बना था, लेकिन ये टूट चुका है अभी, जो पर्यटन स्थल के नाम से है अभी। लिखा हुआ है ये वाला, यही मंदिर है, तो आप पीछे से दिखाते हैं आपको काफ़ी नज़दीक से, लेकिन अब यहाँ पे सब पर्दा लगा हुआ है टोटल, क्योंकि तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सारा चीज़ है अभी यहाँ पे, सारा सोने की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, इधर दान पेटी है। इस मंदिर को बनवाने में लगभग ऐसा बताया जाता है कि 3 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ था, और ये बना था 2007 में, ये 7 या 8 में ये मंदिर बन के तैयार हुआ था। यहाँ पे गाने की शूटिंग्स भी हुई है, भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हुई है 2-3, अब हमको याद नहीं है कौन सी फिल्म शूटिंग हुई है, लेकिन इस यहाँ पे शूटिंग हुई है काफ़ी। और इधर देखिए पीछे चारों तरफ से इधर सर्वाइव सड़क है आने जाने के लिए, लोगों को घूमने के लिए, रहने के लिए, रुकने के लिए, उधर एक मंच बना हुआ है लोगों को रहने के लिए, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी डिजाइनदार, और इसका पूरा ये नीचे जो पत्थर लगे हुए हैं संगमरमर है शायद मेरे ख्याल से, कुछ इसमें टेराजो लगे हुए हैं, कुछ संगमरमर लगे हुए हैं, शंकर का भूत है, बाघ बने हुए हैं, और भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ है यहाँ पे। ये गांव है, उधर एक पुराना मंदिर था, उधर वो दिखाई नहीं दे रहा, बंद हो चुका है शायद, फूल हैं, पौधे हैं, सारा चीज़ है इधर। और ये यहाँ पे हमको लग रहा है कि लालू जी उस समय आए थे, उसके बाद 1-2 बार और आए हैं बस, उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आया है उनके उन लोगों में से, यहाँ पे सिर्फ 1 बार तेज प्रताप आए स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद, यहाँ माथा टेकने के लिए आए थे। उधर एक अस्पताल बना हुआ है और उनके माता जी की प्रतिमा है, लेकिन उधर अभी बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, उधर जाएंगे लोग भीड़ लगा के पूछने लगेंगे क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो उधर अभी नहीं जाएंगे हम, उधर शाम में शूट करेंगे। और यही मंदिर है उनका, मंदिर का लुक दूर से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि दूर से सारा तरफ पेड़ पौधे लग गए हैं तो दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो इसका लुक बहुत ही कमाल का था। वही यहाँ पे एक पोखरा है ये वाला, जिसमें भोजपुरी गाने की शूटिंग्स कई बार हुई है, साफ करवा वगैरह उधर के, और यहाँ पे पोखरे वोखरे का सीन लेना होता है तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग। ये पीछे मंच बना हुआ है आप देख सकते हैं किधर के अभी, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको, हाँ ये वाला जो दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, ये रिंग जो दिख रही है ये मंच है, पास चलता हूँ। यहाँ पे अभी झूलन लगेगा तो यहाँ पे मंच पर कार्यक्रम होता है, और ये देखिए रिंग, लेकिन लाल लोग यहाँ पे लाइट वाइट्स वगैरह इसकी फोड़ फाड़ दिए हैं, ये वाला दिख रहा है इस पर लाइट्स लगी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता था, लेकिन अभी यहाँ के लोग ऐसे हैं जो फोड़ फाड़ करके इसको बराबर कर दिए हैं, अदरवाइज ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, यहाँ भी ठंडा है, चारों तरफ से पेड़ पौधे लगाए गए हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो में व्लॉग वीडियो देता हूँ, अभी व्लॉग की सीरीज में, तो इस व्लॉग की सीरीज में आपको लालू यादव जी के गांव का मंदिर आपको कैसा लगा, हालांकि मंदिर में तो बहुत कुछ बंद था, लेकिन मंदिर मैंने आपको दिखाया, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लालू यादव जी के गाँव से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए, और हम आपको दिखाएंगे उनके गांव से दिलचस्प बातें। थैंक यू फॉर।